गई यहाँ से परीक्षा देने गई। अब वहाँ, अब यहाँ से तो चली गई है, हम तो नहीं जानते, हम तो चले गए भैया के यहाँ काम करने, और यहाँ आए तो कहने की चली गई बिटिया। तो हम सोचे कि अब चली तो गावे भाई है, लेकिन शायद साथ में सर जी भी हों, तो हम इसलिए हमने कुछ नहीं आगे बढ़ पाए हैं। फिर जब नहीं लौटी तो क्या किया? हमने अपने पिताजी को भेजा कि जाइए देखिए कहाँ गई, तो उन्होंने ढूंढा नहीं पाए। कहाँ कहाँ ढूंढा? वो पूरा जतवारा ढूंढे, बिरसिंहपुर ढूंढे, पूरा ऐठा एरिया सतना तक गए। हाँ, फिर जब नहीं मिली तो फिर चले आए थाना, गए फिर क्या किया? थाना गए पहले, फिर वहाँ रिपोर्ट ऊपर लिखाए, फिर चले आए लोग। वो कहाँ पढ़ती थी, कितनी दूर स्कूल है, किस क्लास में पढ़ती थी? वो 8वीं पढ़ती थी, वो मझगाँव में पढ़ती थी, यहाँ से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर है, कैसे जाती आती थी? पैदल पैदल आती थी वो। फिर आपको कैसे पता चला कि उज्जैन में मिली है? अरे हम तो फोटो दिखाए हमारे चाचा जी, तब हम तो जाने हैं। मानसिक रूप से कैसी थी वो, क्या कैसे बर्ताव करती थी घर में? वो सही थी, वो आती जाती पढ़ती थी, थोड़ी जौन बनता था, लेकिन अब क्या करे, उसका दिमाग में नहीं था कि का नहीं बनता था उससे, उसको उसके सर जी का नहीं सिखा पाए पढ़ाने। पढ़ती थी 8वीं, तुम्हारे साथ खेलती थी, पढ़ती थी तुम्हारे साथ? खेलती कूदती थी, पढ़ती थी, साथ में जाती थी, साथ में आती थी। तो कभी तुमसे बताया कभी बाहर जाना है मुझे घूमने कहीं? मेरे को नहीं बताया। कभी ऐसी चर्चा नहीं आती थी? नहीं। कि बाहर जाना है घूमने? मेरे को नहीं बताया। बातचीत में, खेलने कूदने में, पढ़ने में अच्छी थी वो? अच्छी थी। दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे, 8वीं दोनों थी जी। स्कूल यहाँ से दोनों कैसे जाते थे? पैदल पैदल जाते थे, पैदल आते थे। ये प्रारंभिक तौर पे यह ज्ञात हुआ है कि एक फरियादी थाना जैतवारा में 25 तारीख को सुबह आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नातिन जो है एक दिन पूर्व घर से स्कूल की ड्रेस पहन के, थोड़ी मंदबुद्धि है, स्कूल गई थी और अमूमन शाम को 4-4:30 बजे तक वो वापस आ जाती थी स्कूल में। वो स्कूल उनका गाँव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर मझगवा में है। वो स्कूल से जब नहीं लौटी तो वो अपने परिजनों के साथ जैतवारा में, अपने गांव में और आसपास के उनिया गांव में और सतना में रेलवे स्टेशन पे उनने पता तलाश की बच्ची की पूरी रात तक। जब वो बच्ची नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवारा पे रिपोर्ट की, जिस पे वहाँ पे 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जैसा कि गया थे उस पर इश्तहार जारी करना, हमारे CCTNS के माध्यम से सभी थानों को नोटिफिकेशन करना और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर इनाम भी उद्घोषित किया गया था। फिर मीडिया के माध्यम से ही जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो घटना ज्ञात हुई थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने उससे, उसके परिजनों को उस ड्रेस के बारे में, स्कूल ड्रेस के बारे में पूछा, तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा बताया गया कि बच्ची वही ड्रेस शायद पहन के निकली थी, जिस पे एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ से महाकाल थाने उज्जैन के लिए रवाना हुई है और उस पर अग्रिम जो भी दस्तावेज के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर करेंगे।